एशियन गेम्स 2023 के लिए भारतीय टीम का चयन हो गया है। पवन सहरावत है इस टीम में। आपको नवीन कुमार देखने को मिल जाएंगे, डिफेंडर्स में सुनील परवेज की जोड़ी देखने को मिल जाएगा। सो इंडियन कबड्डी टीम इज ऑल सेट फॉर एशियन गेम्स। कौन कौन सिलेक्ट हुआ है, फुल स्क्वाड आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। विदाउट एनी डिले आइए जानते हैं। ओके, सो सबसे पहले स्टार्टिंग डेट के बारे में जान लेते हैं। बहुत सारे जन को स्टार्टिंग डेट के बारे में नहीं पता होगा। सो 2 अक्टूबर से 19th एशियन गेम्स शुरू होने वाला है हांगजू चाइना में, एंड 7 अक्टूबर तक एशियन गेम्स चलेगा। तो ये था स्टार्टिंग डेट जो मैंने आपको बता दिया है। फटाफट स्क्वाड पे नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करते रेडर्स के साथ, जो जो भी रेडर्स सिलेक्ट हुए उनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहला नाम जो सिलेक्ट हुआ है वो है पवन कुमार सहरावत। मोस्ट लाइकली ये कप्तान भी होने वाले टीम के, एंड पवन सहरावत ऑफकोर्स थे 100% कि वो सिलेक्ट हो गए एंड सिलेक्ट हो चुके हैं। दूसरे रेडर यहाँ पे नवीन कुमार है, बहुत ही अच्छे रेडर है एंड एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में ज़्यादा तो नहीं खेल पाए, लेकिन एक अच्छे रेडर है, एशियन गेम्स में बहुत ही बड़ा रोल इनका होने वाला है। तीसरे रेडर यहाँ पे अर्जुन देसवाल है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 के टॉप रेडर थे एंड एशियन गेम्स 2023 के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं एंड एक बहुत ही बढ़िया राइट रेडर है। चौथे रेडर यहाँ पे सचिन तंवर है। सचिन तंवर यहाँ पे एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के लिए भी सिलेक्ट हुए थे एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया भी था, एंड उसी के बदौलत यहाँ पे एशियन गेम्स 2023 के लिए सचिन तंवर सिलेक्ट हो चुके हैं। पांचवे रेडर यहाँ पे असलम इनामदार है। असलम इनामदार एक बहुत ही अच्छे रेडर है, पिछले एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हो जाए या फिर प्रो कबड्डी लीग हो जाए, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए एंड इंडियन कबड्डी टीम में देखने को मिल जाएंगे। एंड सिक्स्थ यहाँ पे नया नाम है जिसे ज़्यादातर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उस प्लेयर का नाम है आकाश शिंदे। ये एक नया नाम है एंड मोस्ट लाइकली डेब्यू करने वाले इंटरनेशनल जर्सी में इंडियन टीम के लिए डेब्यू करेंगे, बिकॉज एक बहुत ही अच्छे यंग प्लेयर है एंड ईरानी टीम के लिए एक हिसाब से चैलेंज बन सकते हैं। आकाश शिंदे प्रो कबड्डी लीग में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए थे एंड ट्रायल जब हुआ बेंगलुरु में तो मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से खेल रहे थे, जिसके कारण इनको सिलेक्ट किया गया। एक बहुत ही अच्छे लेफ्ट रेडर है एंड इनको भी पिक किया गया है। तो ये रेडर्स है 6 रेडर्स जिन्हें सिलेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं डिफेंडर्स की तरफ। तो डिफेंडर्स में भी 6 प्लेयर सिलेक्ट हुए। सबसे पहले यहाँ पे सुनील कुमार, जो यहाँ पे राइट कवर के डिफेंडर है एंड मोस्ट लाइकली कप्तान हो सकते हैं या फिर वाइस कप्तान हो गए। दूसरे यहाँ पे सुरजीत सिंह है, ये भी राइट कवर के डिफेंडर है, बैकअप हो सकते हैं सुनील कुमार के या फिर मेन स्टार्टिंग 7 में राइट कवर के पोजिशन पे सुरजीत सिंह खेलते हुए दिख जाएंगे। तीसरे डिफेंडर यहाँ पे परवेज भैसवाल है, लेफ्ट कवर के बेहतरीन डिफेंडर, इनको भी सिलेक्ट किया गया है, नो डाउट इनको सिलेक्ट करना चाहिए था। चौथे प्लेयर यहाँ पे विशाल भारद्वाज है, लेफ्ट कॉर्नर के बेहतरीन डिफेंडर एंड हमें लेफ्ट कॉर्नर के पोजीशन पे विशाल ही ज़्यादातर मैचेस में खेलते हुए दिखेंगे। तो चौथे डिफेंडर विशाल है। पांचवे डिफेंडर की बात की जाए तो पांचवे डिफेंडर नितेश कुमार को सिलेक्ट किया गया है, राइट कॉर्नर के बेहतरीन डिफेंडर एंड राइट कॉर्नर पे ही खेलते हुए दिख जाएंगे। एंड सिक्स्थ प्लेयर ऑलराउंडर है जो यहाँ पे नितिन रावल है, इनको भी सिलेक्ट किया गया। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो उसमें बहुत सारे जन जो फैंस थे वो डिसएग्री कर रहे थे, लेकिन नितिन रावल को एशियन गेम्स के लिए भी पिक कर लिया गया। लेफ्ट कॉर्नर के पोजिशन पर डिफेंस कर लेते हैं एंड ऑलराउंडर है, अगर रेडिंग की जरूरत पड़ी तो रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो टीम इंडिया की 12 मेंबर की स्क्वाड है एशियन गेम्स के लिए, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, पवन सहरावत, नवीन कुमार, अर्जुन देसवाल, सचिन तंवर, असलम इनामदार, आकाश शिंदे, सुनील कुमार, सुरजीत सिंह, परवेज भैसवाल, विशाल भारद्वाज, नितेश कुमार एंड नितिन रावल। सिर्फ एक चेंज हुआ है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के इंडिया स्क्वाड से, आकाश शिंदे इन हो चुके हैं एंड मोहित गोयत आउट हो चुके हैं, यानी कि मोहित गोयत की जगह पे आकाश शिंदे को पिक किया गया। ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी वो यहाँ पे सेम रहने वाला है। तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको क्या लगता है स्क्वाड कैसा सिलेक्ट हुआ है, आप डिसएग्री करते हो या फिर एग्री करते हो, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएगा। इसी के साथ आप इस स्क्वाड से क्या इंडिया की बेस्ट स्टार्टिंग 7 बन सकती है, आप अपनी स्टार्टिंग 7 कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। एंड प्रो कबड्डी सीजन 10 के ऑक्शन में सभी टीम्स की क्या पर्स बैलेंस रहने वाली, अगर आपको जानना है तो लेफ्ट साइड पे वीडियो शो हो रहा होगा। एंड क्या स्टार्टिंग 7 इंडिया की हो सकती है, वो वीडियो जैसे ही आ जाएगा राइट साइड पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तब तक मैं मिलता हूँ एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।